पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये पखवाड़ा 16 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। मुरादाबाद में लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार को मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एक प्रभात फेरी निकाली गई, जहां पर सभी रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों ने सभी को स्वच्छता के प्रति संदेश देने का काम किया। ये प्रभात फेरी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से शुरू होकर रेलवे कॉलोनी में घूमती हुई सभी को स्वच्छता के प्रति संदेश देती हुई दिखाई दे रही थी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहा। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी। उपआशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों के साथ अपने घर और कार्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए काम करें। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा जैसा कि आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से मनाया जा रहा है, और इसके दौरान एक आज का कार्यक्रम प्रभात फेरी का था, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में एक प्रभात फेरी निकाली, ताकि हमारे कॉलोनी में रहने वाले जितने हमारे रेल कर्मचारी उनके परिवार हैं यह सब सजग हो सके। स्वच्छता के तरफ में हम लोगों को काम करना है। स्वच्छता को लेकर क्या काम किया है? स्वच्छता को लेकर विभिन्न प्रकार के स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो रोज दिन हो रहे हैं, और जिसमें सफाई के काम, तरह तरह के स्टाफ के साथ संवाद, स्वच्छता संवाद, आज की प्रभात फेरी और इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम अभी चलते रहेंगे।